नमस्कार, मेरे चैनल इन्फो प्लांट्स में आपका स्वागत है। आजकल एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, बाहर नहीं तो हम अपने घर की हवा को तो शुद्ध रख ही सकते हैं। हमने कई एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के बारे में बात करी, जैसे कि स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट। आज मैं आपको एक और इजी टू ग्रो प्लांट, जो कि हर कोई अपने घर में लगा सकता है और वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसका नाम सिंगोनियम है, जो कि मनी प्लांट जैसा ही लगता है। यदि हम मनी प्लांट के पत्ते में सींग लगा दें तो सिंगोनियम की ब्यूटीफुल पत्तियां बन जाती हैं। इनकी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। इनका कलर ग्रीन, पिंक और वेरीगेटेड ग्रीन होता है। कुछ प्लांट की पत्तियां हल्की ग्रीन होती हैं, बहुत सुंदर कलर लिए और मैच्योर होने के बाद ये डार्क ग्रीन हो जाती हैं। सिंगोनियम के प्रोपोगेशन की बात करें तो यह मनी प्लांट जैसे ही वाटर में अच्छी तरह लग जाता है। इसे वेल ड्रेन सॉइल की आवश्यकता होती है। इसकी सॉइल में 50% सॉइल, 30% रेत और 20% बर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद मिला दें तो यह बहुत तेजी से ग्रो होता है। मेरे पास सिंगोनियम की 4 वैरायटीज हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। इसमें पिंक और ग्रीन कलर की छोटी पत्ती वाला सिंगोनियम भी है और यह प्लांट ग्रीन का पत्ती वाला प्लांट है। बड़ी पत्ती वाला सिंगोनियम प्लांट, जो कि पत्तियों के कलर चेंज करता है। देखिए, कुछ इसकी पत्तियां लाइट कलर की हैं, कुछ वेरीगेटेड हैं और कुछ मैच्योर होने के बाद डार्क ग्रीन हो गई हैं। इनको घना बनाने के लिए इस प्लांट के ऊपरी सिरे को काट देना चाहिए। इसमें रूट रहती है और इसे इसी पॉट में हम लगा देते हैं, जिससे कि ये घना दिखने लगता है। सिंगोनियम प्लांट को आउटडोर इनडोर दोनों जगह रख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। और हफ्ते में एक बार कुछ घंटे के लिए इन पौधे को सनलाइट में रख देना चाहिए, तब ये तेजी से ग्रो होते हैं। और वाटरिंग की बात करें तो इन्हें बहुत कम पानी दें, इनकी मिट्टी नम रहनी चाहिए। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है, तो आप अपने घर में इस पौधे को लगाकर अपने गार्डनिंग की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।